राजस्थान के झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने हत्या आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या के आरोपी को धर दबोचा है। मामला 9 नवंबर 2020 का है। खंडिया कॉलोनी निवासी छोटे लाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके पुत्र रामजी लाल ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह हत्या का मामला है। इस पर झालावाड़ कोतवाली पुलिस थाना अधिकारी बलवीर सिंह ने विशेष अनुसंधान किया। इस पर जांच पड़ताल के दौरान तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया और आत्महत्या के मामले को हत्या में मुकदमा दर्ज किया। बारा जिले के निवासी आरोपी अजय भांड को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकरण में हत्या का मुख्य कारण प्रेम संबंध रहा। इसमें मृतक की पत्नी की भूमिका संदिग्ध है। झालावाड़ से ब्यूरो की रिपोर्ट। दिनांक 9/11/2020 को कोतवाली झालावाड़ पर छोटूलाल सन ऑफ रमेश, एक जाति से भाड़ है, ये खंडिया कॉलोनी झालावाड़ के रहने वाले हैं। इनके प्रार्थना पत्र पर मर्ग इनके जो पुत्र है रामजी लाल सनौ रमेश, जो 25 साल का था, जो फांसी लगाकर इन्होंने इस तरह का एक पत्र दिया था जिस पर मर्ग दर्ज हुआ था, फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इस दौरान इस पर अनुसंधान किया, जांच की और जांच से आसूचना तंत्र और गोपनीय एक सूचना से ये तथ्य सामने आए कि जो ये मर्ग था, मर्ग ना होकर के हत्या थी, जिस पर थाने पर हत्या में प्रकरण दर्ज किया। और दर्ज करने के बाद ये अजय सन ऑफ लाखन, ये जो भाड़ है, जो ये बारा का निवासी मागरौल बारा का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार कर लिया है इसमें धारा 302 में, इसने जो मृतक की पत्नी है वो भी इसमें अनुसंधान के घेरे में है। उसके आने पर जैसा भी होगा अनुसंधान किया जाएगा। अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला किस तरह का लग रहा है या क्या अवैध संबंध है या कोई? मामला जो अब तक सामने आया है वो ये जो अजय है मृतक की पत्नी से प्रेम संबंध रखता था। इस बात को लेकर के ये जो मृतक है ये से नाखुश था, इस को बीच में से हटाने के लिए इन्होंने आपस में एक रणनीति रच करके और इसको जो इसके पति है इसको रस्सी, गले में एक तार है, उस तार से गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।